गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से टेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बता दिए थे, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस के रूल ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करने का नियम, इसमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अदर वर्ब। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे आया तुम्हें कौन आज बुला रहा है, तो इसमें पहले कौन की अंग्रेजी लिखी हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, इसमें मेन वर्ब कॉल है बुलाना, कॉलिंग हो जाएगा, इसके बाद आपसे टूडे हो जाएगा, इसके बाद आज की अंग्रेजी टूडे, इस तरह हुआ। तुम्हें आज कौन बुला रहा है, और तुम्हें कौन आज बुला रहा है, इसका अनुवाद हुआ हू इज कॉलिंग यू टूडे, हू इज कॉलिंग यू टूडे। दूसरा है उसे कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अब इसमें कौन की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हु हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, इसके बाद मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाना के लिए टीच, टीच में आई एन जी टीचिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, फिर इंग्लिश, तो इसका हुआ हु इज टीचिंग हिम इंग्लिश, ये अनुवाद हो गया। इसके बाद तीसरा है मैं किसे आज बुला रहा हूँ, तो किसे की अंग्रेजी, किसे इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हुम हुआ, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ आई हुआ, फिर मेन वर्ब बुला रहा हूँ, बुलाना तो काल होता है, काल में आई एन जी कॉलिंग हुआ, फिर इसके बाद आज की अंग्रेजी टुडे, हुम एम आई कॉलिंग टुडे, हुम एम आई कॉलिंग टुडे, इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद है वह किसकी किताब पढ़ रही है, अब किसकी किताब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हुज बुक हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट हुआ की अंग्रेजी सी हुआ, फिर मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, रीड में आई एन जी लगेगा, रीडिंग हो गया, इस तरह हुज बुक इज सी रीडिंग, हुज बुक इज सी रीडिंग हो गया। पाँचवा है वे कौन सी किताब से दे रहे हैं, अब कौन सी किताब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हिज बुक हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट बहुवचन है इसे आर लिखेंगे, आर हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट दे हुआ, देना की अंग्रेजी गिव होता है, गिव में आई एन जी गिविंग हुआ, और उसे की अंग्रेजी हिम हुआ, इस तरह हुआ हिच बुक आर दे गिविंग हिम, हिच बुक आर दे गिविंग हिम हुआ। छठा है वह कब अपने घर जा रही है, वह कब अपने घर जा रही है, इसमें पहले कब की अंग्रेजी वेन हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, फिर सब्जेक्ट सी गोइंग, फिर इसके बाद हर होम हुआ, वेन इज सी गोइंग हर होम, इसका अनुवाद हो गया। फिर सातवां है वह पत्रिका क्यों नहीं पढ़ रहा है, अब इसमें क्यों की अंग्रेजी पहले वाई हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हुआ, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट हुआ, फिर पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड में आई एन जी रीडिंग हुआ, पत्रिका की अंग्रेजी मैगजीन हुआ, वाई इज ही नॉट रीडिंग मैगजीन, इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद आठवां है कौवा गाने क्यों नहीं चुन रहा है, तो पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद कौवा एकवचन है तो क्रो हो जाएगा, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसके बाद चुनना की अंग्रेजी पिकिंग अप, फिर दाने की अंग्रेजी ग्रेन, इस तरह हुआ वाई इज द क्रो नॉट पिकिंग अप ग्रेन, इस तरह इसका अनुवाद हो गया। नवा है गीता आज भोजन क्यों नहीं खा रही है, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, फिर सब्जेक्ट गीता हुआ, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट हुआ, फिर खाना की अंग्रेजी ईट, ईट में आई एन जी ईटिंग हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड है, फिर आज की अंग्रेजी टुडे, वाई इज गीता नॉट ईटिंग फूड टुडे, इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद है राधा किसकी किताब पढ़ रही है, तो पहले लिखेंगे किसकी किताब, हुज बुक हुआ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद सब्जेक्ट राधा, इसके बाद पढ़ना रीड, रीड में आई एन जी रीडिंग हुआ, इसका अनुवाद हुआ हुज बुक इज राधा रीडिंग। ग्रामा है मेरा भाई उसे कब बुला रहा है, तो पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड कब की अंग्रेजी वेन, वेन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, फिर मेरा भाई माय ब्रदर हुआ, बुलाना की अंग्रेजी काल, काल में आई एन जी कॉलिंग हुआ,
उसे एक अंग्रेजी हिंदू। इस तरह हुआ व्हेन इज माई ब्रदर कॉलिंग हिम। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस समाप्त हुआ। दो टेंस पूरा हुआ। अब हम कल अगला टेंस पढ़ा।